गुड मॉर्निंग सोल्जर्स, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं आप लोगों को। आज मणिशंकर का सबसे पहले आया और इसके बाद फिर अमित का और फिर धीरे 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 सबों का आया। मैक्सिमम लगभग स्टूडेंट जितना अभी कनेक्ट है उतना आ रहा है। ये क्या थे आप, आयुषी के भाई आशीष, अब ठीक है दोनों का नाम आज सही बोले। तो आपका भी बहुत अच्छा लगा, आपका 11:30 बजे रात में आसपास 11:05 में आया था, तो कोई बात नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं और आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख के सही में बहुत खुशी मिलती है। सौरभ भी आप 11 बजे सेंड किए हैं और इसके बाद सुमन आप भी हैं और अब तो नाम उतना याद नहीं, सही जान रहे हैं जो प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं। और क्वेश्चन सारा इजी था क्योंकि सारा क्वेश्चन रिलेटेड दिए थे, सिर्फ माइनस प्लस में डिफरेंस कर दिए थे या साइन की जगह कॉस डाल दिए थे, और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, हमें बहुत बहुत खुशी मिल रही है। और इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये खुशी की बात है कि इतने सुबह हम खुद को नहीं रोक पाए कि कंटेंट देंगे, हमको चाहिए ऐसा कि आप लोगों तक कंटेंट पहुंचे। वो आपने जो एनर्जी हमारे में डाला है अपने होमवर्क के थ्रू, वो हम उसका चाहते हैं यूज़ कर लें, और इतने सुबह में भी हम आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप वो जो लेक्चर होगा लगभग 1 घंटे का, आप उसे अच्छे ढंग से पढ़ के समझ के, और 2-3 जो होमवर्क हम जनरली दिया करते हैं और वो आप बनाकर हमें रक्षाबंधन के पहले, कोई बहने यदि देख रही है तो आप अपने भाई को कहें कि पहले तुम होमवर्क बनाओ उसके बाद हम राखी बांधेंगे, समझ रहे हैं। और जिनके भाई देख रहे हैं वो बोलिए कि पहले वो हमारा होमवर्क बना के भेजे तब हम राखी बंधवाएंगे, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब हम इतनी सुबह आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप जरूर करेंगे और हमें विश्वास है आप करेंगे, इसलिए तो इतनी सुबह हम आपके लिए इतना काम भी कर पा रहे हैं। ये तो आप लोगों का ये पोटेंशियल है जो हमारे में एनर्जी के रूप में फिर रिटर्न हम आपको करने की कोशिश करते हैं, कंजर्वेटिव लाओ। तो ये तो पढ़े ही होंगे आप लोग और पढ़ते भी हैं कि जितना एनर्जी आप उधर से देंगे उतना ही हम इधर से भी देंगे, और बड़े मजे के साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे। इस विषम परिस्थिति में इतने अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी कम नहीं है, हम लोग जीना सीखने लगे हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्द आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 दो लाइन बढ़ेगा, बढ़ा लीजिएगा, जो ऊपर में कॉस रखे हुए हैं उसको नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे 2 है, 2 साइन इंटू कॉस, साइन 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बनेगा तो उसको हम फिर बना लेंगे वो आंसर मिलाने के लिए, ठीक है। तो वो दो लाइन का चीज बचा हुआ वो आप कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा है x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, क्लियर है। तो आप लोगों को जहां तक याद होगा हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, टेंजेंशियल फॉर्मूला, साइन 2 का, कॉस 2 का और टेन 2 का। टेंजेंशियल का अर्थ बताए थे कि तीनों का रिजल्ट उस साइड जो मिलेगा वो सारा का सारा क्या चीज में मिलेगा, टेन में मिलेगा। तो वो टेन में हम जो रिजल्ट बताए थे, साइन 2 का 2 टेन बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन 2 थीटा बराबर इज इक्वल टू 2 टेन अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बगल में। तो ये हमारा फॉर्मूला था 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये 10 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था और हम लोग कहे थे कि इसका नाम टेंजेंशियल दिए थे क्योंकि रिजल्ट में जो भी मिलता था सब हमें टेन में मिलता था। तो चलिए इसी के माध्यम से हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू 2 tan upon 1 plus tan square, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, एंड y इज इक्वल टू 1 minus tan square upon 1 plus tan square, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए। अब देखिए इसका आप फ्रेम देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख पा रहे होंगे वो इससे मिल रहा है और ये जब देखिएगा तो वो इससे मिल रहा है। देखिए तो मिल रहा है फ्रेम, तो हम लोग क्या पुट करेंगे उस फॉर्मूला को देख करके। इनवर्स ट्रिगो में भी बताए थे पुट t इज इक्वल टू क्या पुट करने जा रहे हैं tan थीटा, जरूरत पड़ जाए कहीं जैसे इनवर्स में पढ़ा करता था तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t। क्लियर है, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रखिए x इज इक्वल टू 2t, टी के जगह पर क्या आई tan थीटा अपॉन 1 plus tan square, मतलब tan square थीटा। चलिए y इज इक्वल टू 1 minus t square की जगह पर दे दीजिए tan, पुटी किए tan square थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू ये पूरा रिजल्ट क्या दे रहा है साइन 2t दे रहा है, साइन 2 थीटा, क्लियर है। और ये y इज इक्वल टू क्या दे रहा है cos 2 थीटा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका फॉर्मूला लिख दिए, इसका फॉर्मूला लिख दिए बगल में है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों तरफ लगा दिए, और dy/dθ इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos 2 थीटा अपॉन डी थीटा, क्लियर है। अब ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो मैच कराना होता है जिसे हम लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फाइनली ये दोनों कट जाएगा तो पुराना चीज बच जाएगा। आइए हम लोग इधर आएंगे, dy/dθ इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू 2 थीटा, हम क्यों लगा रहे हैं आप भी बातों को समझ पा रहे होंगे, 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, क्लियर है, समझ गए होंगे बात को। चलिए आते हैं यहां पे, अब देखिए dx/dθ इज इक्वल टू, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन ये दोनों तो मैच कर रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos, और ये 2 थीटा जो मैच करता है वो डायरेक्ट लिखते हैं, बातों को समझ रहे होंगे, इनटू 2 times थीटा का डिफरेंशिएशन 1, 2 constant बाहर थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में 1। चलिए आते हैं dy/dx के, दिस इंप्लाइज दैट एंड dy/dθ इज इक्वल टू, इस पे निकालते हैं cos का डिफरेंशिएशन -sin 2θ इनटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 into θ का 1, दिस इंप्लाइज दैट dx/dθ इज इक्वल टू 2 cos 2θ एंड dy/dθ इज इक्वल टू -2 sin 2θ, यह आपका रिजल्ट हो गया। अब 9 वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, कहीं किसी का जरूरत पड़ सकता है तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ से इसे यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला लगते हैं आप लोगों को दिखाएंगे बीच बीच में फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक
हम लोग ना मालूम है निकालना क्या है dy by dx, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 अभी ये अधूरा क्वेश्चन था, इसमें निकालना क्या है वो देख लीजिए। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव दैट, इसी में एक और क्वेश्चन पूरा फुल क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट साबित करें dy by dx प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ dy by dx निकालना पड़ेगा, पहले dy by dx इज इक्वल टू dy by d theta अपॉन dx by d theta इज इक्वल टू dy by d theta, तो कितना है dy by d theta माइनस टू साइन टू थीटा है ना, यहाँ पे देख लीजिए अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा कितना है डी एक्स बाय डी थीटा टू कॉस टू थीटा, क्लियर है, ये टू कैंसिल, रिजल्ट क्या बच गया ये बताइए, इज इक्वल टू माइनस साइन टू थीटा बटे कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा नहीं कर दीजिएगा आपके माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या है एक्स बाय वाई, ये इसको प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए साइन टू थीटा का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है यहाँ कितना एक्स एक्स है, और कॉस टू थीटा का वैल्यू है दिया हुआ है कितना वाई, कोई दिक्कत, यदि किन्हीं को दिक्कत है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, और फ्रॉम 3 और 4 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहां तक में। इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to minus x by y, क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा इधर आ जाएंगे और यहां से हम लोग चीजों को समझ लेंगे। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या होता है, हमको जो प्रूफ करना है dy by dx plus xy equal to 0, ये प्रूफ करना है, तो dy by dx is equal plus xy is equal to dy by dx का वैल्यू क्या निकला है माइनस xy y, रख दीजिए माइनस xy y प्लस xy y यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया कितना दिया 0 दिया, यानी कि dy by dx is plus xy y equal to 0। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है कि dy by dx plus x by y is equal to आपको जीरो प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो आप तो dy by dx निकालने के लिए पहले से सीखे हुए हैं, और वो चीज में आप सीखे हुए हैं तो उसका रिजल्ट सिर्फ आपको रख देना है, तो वो चीज जो सीखे हुए थे आप यहाँ इसको 10 कर दे रहे थे, तो ध्यान रखिएगा कि 10 नहीं करना है, वो कर क्या दे रहा है आपको यहां से ये वाला पलट के चीजों को ले आना है, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है फ्रॉम 3 और 4 उसके वैल्यू को रख देना है, बस दो ट्रिक है, और इसको इसके रिजल्ट को यहाँ पे लाके रख देना है, खुद जीरो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 - t² अपॉन 1 + t² वाई इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 + t² prove that सिद्ध करें dy by dx को
क्वेश्चन नंबर 10, वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस इतना इतना प्रूव दैट, सिद्ध करें डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। आई सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, वन माइनस इतना इतना इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट करेंगे हम लोग t इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो इनवर्स का तो जरूरत पड़ता नहीं है। देख चलिए आइए हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह पे टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, एक्स इज इक्वल टू इसको इक्वेशन नंबर कितना मानते हैं, फर्स्ट पहली की तरह, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर, देखिए वहां मिल रहा होगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला एंड वाई इज इक्वल टू टू टेन बाय वन प्लस टेन स्क्वायर, देख रहे होंगे साइन टू थीटा का फॉर्मूला। आइए नाउ अब हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या है भाई, एक्स और वाई के अलावे क्या है, थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू थीटा अपॉन डी थीटा। समझ गए होंगे बात को, आई दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू थीटा, और ये टू थीटा का भी तुरंत पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे ये टू, समझ गए होंगे। एंड dy by d theta is equal to sin का differentiation cos 2 theta और ये 2 इधर लग गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समझ गए होंगे, आइए यहां पर फिर now हम लोग क्या लेंगे भाई, dy by dx, dy by dx is equal to हम लोग क्या लिखेंगे dy dx के जगह पे, dy by d theta upon dx by d theta, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा क्या लिखेंगे, टू कॉस टू थीटा अपॉन टू, ये क्या है माइनस टू साइन टू थीटा। ये चीजें ऐसी क्यों हुई भाई, एक्स बाय वाई डी वाई वाला ये चीज यहां गया टू कॉस टू थीटा अपॉन, और ये चीज आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये टू टू कैंसिल, ये माइनस, ये वाई बाय एक्स वाई वाई बाय सॉरी हाँ एक्स। चलिए ठीक है, कॉस टू थीटा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, देखिए यहां तक मैं समझ में आ गया, यहां तक जब हो गया तो नीचे ही लिख लेते हैं, ये क्या बचा आपको बताइए, यहां पर कॉस टू थीटा अपॉन साइन माइनस में साइन टू थीटा, बताइए कॉस टू थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स एक्स अपॉन साइन टू थीटा का वैल्यू कितना है, वाई। क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए ये कहां से वैल्यू रखे एक्स और वाई जी, तो वो इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर, ये कहां से, फ्रॉम थ्री एंड फोर, क्लियर है, समझते होंगे बहुत इजी, लिखते भी जाइएगा, एक क्वेश्चन बना लीजिएगा इसके लिए वाला दो दोनों में से, तो वो आपको मालूम चल जाएगा। आइए
नाउ अब नाउ ये प्रूफ क्या करना है उसको देखिएगा। डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू डीवाई बाय डी एक्स का वैल्यू कितना है, डीवाई बाय डी एक्स का वैल्यू कितना है माइनस ये वाला माइनस रहा ना माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई ये कट के कितना दे दिया जीरो। क्या आया डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू जीरो। प्रूफ करना यही था ठीक। फॉर्मूला रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है तो अच्छा इसके ऊपर जगह बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 इफ एक्स इज इक्वल टू इफ वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन। इफ वाई इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्रूव दैट सिद्ध करें प्रूव दैट डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए बाय बी इज इक्वल टू जीरो। ये आपको प्रूव करना है। इधर मिटा लेते हैं इसका काम खत्म हो गया। दो ही क्वेश्चन में इसका यूज था लास्ट में। गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड x इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। ठीक है समझ गए होंगे। आइए y इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x और y के अलावा कुछ है तो dy by d theta is equal to differentiation of a cos square theta with respect to theta and derivative of x with respect to theta derivative of b sin square theta। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं। dy by d theta is equal to a constant बाहर derivative of cos थीटा का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा देना होगा बी बाहर कर दीजिए और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे वो देखिएगा। डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर हो गया। अब देखिए ये दोनों मैच नहीं कर रहा है मैच कराना पड़ेगा तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू और इसका होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ गए होंगे ये और ये क्या किए दोनों अपने मन से लगाए कोई दिक्कत नहीं। एंड डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट बाहर यहाँ भी ये कांस्टेंट था बाहर हुआ b कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्या साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं इनटू समझ रहे होंगे बात को इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये चीज अपने मन से लगाए हैं तो ये हो गया साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है एक लाइन नीचे पढ़ जाते हैं और बस काम हो जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर
कॉस थीटा, ये देखिए ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो पावर का क्या लिखेंगे, 2, और उसी चीज पर पावर 2-1, किस चीज पर, यहाँ जो दोनों चीज मिल रहा है तो वो मिल रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, इज इक्वल टू बी इंटू यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, तो वो मिल रहा है साइन थीटा मिल रहा है, लिख दिए और उस पर जो पावर है, अच्छा वो पावर को तो इंटू में भी लिखते हैं, पावर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जो पावर है उसी पावर को लिख देंगे और उसी पावर पे जो उतना एक कम कर देंगे, इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना, कॉस थीटा, क्लियर है, और यहाँ पे कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, बस अब कैलकुलेशन कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा, dy by d theta is equal to ये देखिए माइनस, पहले माइनस लिख दिया, सब मल्टीप्लीकेशन में है, यहां से यहां तक मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसके बाद लिखिए a, इसके बाद लिख रहे हैं 2, इसके बाद लिख रहे हैं ये वाला साइन, मल्टीप्लीकेशन में कहीं भी लिख सकते हैं, इसके बाद ये लिख रहे हैं 2 में एक गया 1, एक पावर लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, अब देखिए एंड ये देखिए ये लिखने जा रहे हैं dx by d theta is equal to minus 2b, b लिखते हैं पहले, ये पहले b लिखते हैं, कहीं माइनस नहीं है तो माइनस नहीं लिखेंगे, सीधा पहले b लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर साइन, दो में एक गया एक, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो साइन थीटा लिखेंगे इंटू ये क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, dy by d theta is equal to minus a 2 sin theta into cos theta, क्या होता है sin 2 theta एंड ये वाला dx by d theta is equal to b, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिखेंगे sin 2 थीटा, चलिए ये रिजल्ट हमारा यहाँ तक, ये हमारा यहाँ तक रिजल्ट आ गया, अब यहाँ पे नाउ dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta, कोई दिक्कत नहीं ना, दिस इज इक्वल टू dy by d theta, क्या है देखिए माइनस ए साइन टू थीटा अपॉन इसका क्या है बी साइन टू थीटा, देखिए तो ये साइन टू थीटा कैंसिल, dy by dx is equal to minus a by b, देखिए ये भी चीज आपका मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए होंगे बातों को, अब देखिए ना अब आपको क्या है dy by dx plus a by b is equal to 0 प्रूफ करना है, तो लिखेंगे dy by dx plus a by b is equal to 0, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx minus a by b plus a by इतना बराबर 0, ये और ये कैंसिल हो गया, करने का मतलब क्या आ गया, सॉरी इसको बराबर करके ही लिख देते हैं, 0 प्रूफ करेंगे ना, इतना बराबर इतना इज इक्वल टू 0, जैसे पहले किए थे, इतना बराबर इतना प्लस इतना इज इक्वल टू, इसका वैल्यू यही है और ये जगह क्यों रख दिए, ये प्लस यानी माइनस कैंसिल, 0 प्रूफ हो गया, इतना बराबर 0, क्लियर है, बहुत इजी होगा, चलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे बड़ा नहीं होगा, आप बड़े हो गए आप ज्यादा खाने लगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, वेट फुल, कोई कुछ पूछ रहे हैं कि सर नई शिक्षा नीति क्या है, तो नई शिक्षा नीति पर हम थोड़ा वर्क किए हैं, थोड़ा वर्क और अच्छे ढंग से कर लेते हैं, फिर नई शिक्षा नीति पर हम बात करेंगे, ठीक है,
वो आप लोगों को डरने की बात नहीं है, 2022 से वो नीति आने वाली है, अभी नहीं, अभी टाइम है उसमें, 22 या 23 चला जाएगा। तो आपके आने वाले छोटे भाइयों के लिए नीति है और बहुत अच्छा नीति है। आप लोग में यदि ये नीति रहती, हम लोगों में रहती, तो हम लोग और बेहतर कर सकते थे, ऐसे भी ठीक ठाक रहा, कोई खास गड़बड़ नहीं रही। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पेपर आ गए थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। फाइंड dy by dx is equal to, फाइंड dy by dx निकालना है किस पॉइंट पर, एट t is equal to pi by 3 when जब x is equal to a cos t plus t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t। हम समझ रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतना ज्यादा इतना बड़ा लेक्चर क्यों दे दिए ना, कोई बात नहीं, आज 3 या 4 लेक्चर रात 7-8 बजे तक हम रखेंगे और आज चैप्टर खत्म करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव शुरू करेंगे। तो चलिए, ये इसके लिए हम पहले एक होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा लेक्चर छोटा कर दें, आप लोग इंतजार में होंगे कि राखी बंधवाना है, मिठाई खानी है, पैसा भी रखिएगा। तो हम कुछ होमवर्क पहले देते हैं, HW क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं, यदि x इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा इज थीटा 1 माइनस स्मॉल m स्क्वायर 1 प्लस स्मॉल m स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2m/1+m2। ठीक है, एक होमवर्क ये, दूसरा होमवर्क देते हैं x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t और y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। ठीक है, आप लोग डरिएगा मत, इसमें आपको ये आपको परेशान कर सकता है, जो न्यू स्टूडेंट हैं और जो थोड़ा सा कम पढ़े थे तो वो ये परेशान कर सकता है, डरने की जरूरत नहीं है, अभी तुरंत आपको सवाल बनाइएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है इसको, ये दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ये दो क्वेश्चन इसका बेस्ट बन जाएगा। ठीक है, हम पहले एक फॉर्मूला नोट में आप लोग लिखिए तुरंत, डिफरेंशिएशन ऑफ यू इनटू वी, इसका यूज करेंगे ना यहाँ पे, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन स्टेबल रखिए, फर्स्ट फंक्शन को स्टेबल, इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन स्टेबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर समझ गए होंगे, यही एक फॉर्मूला है आपका, इसी में डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी टेन इंटू साइन टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी, नोट में हम बातें सब सारी चीजें लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, सेकेंड का डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t प्लस सेकेंड फंक्शन भी स्टेबल एंड इसका डेरिवेटिव कितना, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, क्या रिजल्ट आया t into cos t प्लस sin t।
जब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन ये और ये अलग करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका यही आएगा, ठीक है। बाकी इतना सा हिंट्स दिए, बाकी लोग सारे लोग बनाइए। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप बहुत कम समय में 8-9-10 बजे तक लगभग आप हमें ये हमारा होमवर्क भी देंगे। कोई ज्यादा बड़ा है भी नहीं और ज्यादा बड़ा हम लेक्चर भी नहीं बनाए हैं अभी समझ करके, तो आप हमें मदद कीजिए कि हम फिर से तुरंत लेक्चर आपके होमवर्क आने के बाद हम लेक्चर स्टार्ट कर दें और फिर आपके लिए ये चैप्टर जल्द खत्म करें और सेकंड डेरिवेटिव हम आपके लिए चालू करेंगे और वो भी 2-3 दिन में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे और अगले 2-4-5 दिन के बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर जा करके एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।